अभी आएगा ड। तो एवरीबडी हैज ओपन पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 ओपन किया, पिक्चर बुक में बेटा ये वाला दिख रहा है। ओके ओके, चलो पूर्वी, दिव्यांशु सबने थम्स अप कर दिया है। ओके लेट्स स्टडी द। इसको क्या बोलेंगे? द बोलो सब, द द द से डाकिया। पुट योर फिंगर्स, द से डाकिया। सोहम बेटा नींद आ रही है, आज आप जल्दी फ्री हो जाओगे है ना, 11 o'clock को है ना सोहम। पुट योर फिंगर्स, सोहम अभी पढ़ लो। ओके द से डाकिया, ड से डिब्बा, ड से डिब्बा, ड से डफली। पुट योर फिंगर, ड से डफली, ड से डमरू, ड से डमरू। सी हु इज डाकिया, डाकिया इज पोस्टमैन, डाकिया इज पोस्टमैन। होप यू ऑल हैव सीन पोस्टमैन को, देखा है जो पोस्ट लेके आता है, कुरियर वाला नहीं, कुरियर वाला नहीं, पोस्टमैन देखा है? नहीं देखा? अच्छा प्रेक्षा ने नहीं देखा। अभी बहुत कम हुए हैं जो अभी पोस्टमैन आपको दिखेंगे नहीं, बट व्हेन यू गो इन पोस्ट ऑफिस, अभी अभी नहीं, आफ्टर व्हेन यू हैव दिस एवरीथिंग इज ओवर, आई थिंक वी हैव विजिटेड पोस्ट ऑफिस लास्ट ईयर। कौन कौन आया था पोस्ट ऑफिस हम लोग विजिट करने गए थे? फतेहगंज पोस्ट ऑफिस, डू यू रिमेम्बर दैट? यस, देयर वर सो मेनी पोस्ट यानी लेटर्स थे। ओके अगर मुझे यहाँ से लेटर लिखकर प्रत्यक्ष के घर भेजना है तो आई विल यूज पोस्ट ऑफिस, वो रेड कलर का लेटर बॉक्स है ना, उसको मैं उसमें डाल दूंगी लेटर। फिर पोस्टमैन वो मेरा लेटर प्रत्यक्ष के घर पे भेजेगा है ना, तो दैट इज पोस्टमैन। पोस्टमैन को हिंदी में क्या बोलेंगे? डाकिया, डाकिया। ओके नेक्स्ट इज डिब्बा। एनीथिंग एनीथिंग, यानी हम लोग नाश्ता या मम्मा पर्सेस दाल सब कुछ उसमें भरती है, वो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? डिब्बा। ओके डिब्बा। डफली, डफली यू कैन सी इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाने से हम लोग किसी के म्यूजिक के तार होते हैं जिसमें हम लोग वो यू म्यूजिक बजता है, इसको हम लोग डफली बोलते हैं। जैसे तबला होता हैव यू ऑल सीन तबला, वैसे ही डफली ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज डमरू, इट इज ऑल्सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्पेशली सीन इन विच गॉड? डमरू। हाँ, पूर्व कर रहा है। यस कौन से भगवान में ये इंस्ट्रूमेंट दिखता है? डमरू देखा है कभी? यस रियांशी इज रेजिंग हर हैंड। यस ओके रियांशी, चलो अनम्यूट करो, बताओ तो कौन से गॉड में आपको ये स्पेसिफिकली डमरू दिखता है? क्या बेटा? लॉर्ड शिवा। यस लॉर्ड शिवा। यस सोहम अनम्यूट योर सेल्फ। बोलो सोहम, डमरू कौन से स्पेसिफिक उनका हाथ में दिखाई देता है, कौन से गॉड में? डब्बा। डिब्बा नहीं, मैं डमरू की बात कर रही हूँ। डमरू
can be seen as Riyanshi told us. Yes, it is correct, Riyanshi. When you see the picture of Lord Shiva, the picture देखते हो तो उनके एक हाथ में क्या होता है डमरू. Okay, this type of instrument is seen in the hands of Lord Shiva. Okay, अभी आप जब देखोगे ना तब उनके एक हाथ में डमरू होता है. Okay, so ड देखो नीचे कैसे लिखा गया है. ड कैसे लिखते हैं नीचे देखो एक बार. ओके नाउ लेट्स रिवाइज. यस एक मिनट. हाँ बेटा सत्यम बोलो बेटा क्या बोलना चाहते हो. मेरे पास डमरू है. अरे वाह बताओ. सी एवरीबॉडी सत्यम हैज अ डमरू विद हिम. यू कैन सी प्रैक्टिकली व्हाट इज कॉल्ड डमरू है ना. बजा के दिखाओ तो सत्यम. ऐसी आवाज आती है ना. इट इज अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिस इज आल्सो कॉल्ड अ म्यूजिकल. हाँ वो शंकर भगवान जब हम वो करते हैं ना डांस. यस इवन सम्राट आल्सो हैव इट. हाँ सम्राट आल्सो हैव इट. ओके गुड. थैंक यू सत्यम. थैंक यू सम्राट. यस दिव्यांशु क्या पूछना है. कुछ नहीं. ओके फाइन. सो लेट्स रिवाइज फ्रॉम कॉ. ओके मैं एक वीडियो शेयर कर रही हूँ आप सबसे. Then we'll start writing. हम लोग आगे से रिवाइज करेंगे कौ से. से कमल. ख ख से खरगोश. ग ग से गमला. घ घ से घड़ी. अंग अंग से कोई शब्द नहीं बनता लेकिन शब्द के ऊपर इसे बिंदी के रूप में जोड़ा जाता है जिसे अनुस्वार कहते हैं. इससे उस अक्षर की आवाज बदलती. उदाहरण के लिए ग और अंग को मिलाकर बनता है गंग जैसे गंगा. जैसे जंगल मंगल चंदा. च च से चम्मच. छ छ से छतरी. ज ज से जग. छ छ से ठंडा. य पहले हमने अनुस्वार देखा ना. ये आधा अनुस्वार है. इसे अक्षर के ऊपर चंद्रबिंदी के रूप में लिखा जाता है जैसे भ य भ भंवरा. का य गाँव. पा य पाँव. ट ट से टमाटर. ठ ठ से ठेला. ठ के बाद क्या आया. ट ट से डफली. ओके ड से डफली. Duffly is also an musical instrument. Okay, so now let's open your workbook. Let's open the workbook. Page number 117. 117.
ओके वर्कबुक पेज नंबर 117 द द लिखना स्टार्ट करो वर्कबुक में पेज नंबर 117 Today's homework writing the on page number 3131 in Hindi practice book. Okay? And if you have not completed yesterday, haan beta, pariksha bhai. If you have not completed yesterday, February or March, jo ek ek column aapko likhna tha baad mein, to complete kar lena. Okay? Yes, Vedanshi? Let all finished, okay? फिर last 10 minutes में थोड़ा मैं computer का discuss कर लेती हूँ, okay? Basic parts आपको याद है कि नहीं याद है, okay? First of all finish your work. ये Sanvi is showing me. Sanvi थोड़ा नजदीक लेके आओ ना बेटा camera को मैं देखूँ. अपने अच्छे से दिखाएँ. Okay, good. Mahir completed? Yes, Devansh, very nice, Devansh, very good. See, when you are writing, अच्छे से लिखते हो तो आपकी बुक कितनी अच्छे दिखती है ना? Point to point लिखते हो तो, the same way you need to write it in your practice book. Yes, Yagna, good, very nice, Yagna, very good. Purvi, आपने पढ़ लिया? Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of email. Okay, shall I show you the basic parts of computer? आपको याद है कि नहीं याद है? Okay. We have 10 minutes, so let's utilize that time. Bugs of computer. Monitor. That is called monitor. The screen-like thing is called monitor. We are talking about desktop, CPU. It is CPU. Central Processing Unit. Okay. जो हम लोग desktop यानी office में कहीं होते हैं जो computers उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं. Okay. Maitra, कुछ problem है बेटा नहीं दिख रहा है? Everybody can see the screen? Maitra? मैत्री अभी दिख रहा है बेटा मैत्री आपको दिख रहा है स्क्रीन शेयर की हुई है वो ओके ओके फाइन क्या
कीबोर्ड. व्हाट इज दिस कॉल्ड? कीबोर्ड, जहां हम लोग टाइप करते हैं अल्फाबेट्स को, है ना, कुछ भी लिखना, तो दैट इज कॉल्ड कीबोर्ड. माउस. व्हाट इज दिस कॉल्ड? माउस. यू आई थिंक स्टूडेंट्स आर यूजिंग दिस माउस. स्पीकर. यू माइट बी नोइंग व्हेन वी हैव अ एनुअल फंक्शन we are connecting speakers with the laptop or with the computer. Speakers can be attached with any of the thing. Okay, speakers ko hum log tv ke sath bhi attach kar sakte hain, laptop ke sath bhi attach kar sakte hain, aur computer jo desktop hota hai, table pe hota hai, uske sath bhi hum log we can attach the speakers. ups. okay, ups is the unit. जब हम लोग नॉट विद द लैपटॉप, जैसे हम लोग यूज करते हैं डेस्कटॉप, जहाँ वो पावर कट हो जाता है और हमारा काम थोड़ा, दैट इज अ बैटरी सेवर. ओके, बैटरी या फिर करंट में कुछ प्रॉब्लम हो तो वी कैन यूज अ यूपीएस. यस, एवरीबॉडी शुड नो नाउ दिस वन. पेन ड्राइव, जहाँ सारे डेटा स्टोर होते हैं. अभी हम लोग किस में लिखते हैं? बुक्स में, राइट? मैम, ये मैं अगर पूछूंगी आपसे कि व्हाट इज दिस, हैव यू रिटन ऑन दिस, यू कैन एबल टू शो मी. द सेम वे व्हेन यू वांट टू सी इट, और डेटा कुछ हम लोग को स्टोर करना है, वी कैन यूज पेन ड्राइव. प्रिंटर. ओके, इट कैन बी अटैच्ड विद द डेस्कटॉप इटसेल्फ. प्रिंटर. Scanner. You might not be knowing this. It is not so important. Scanner. Monitor. Keyboard. Mouse. CPU. Speakers. Pen drive. UPS. Printer. That one is scanner. Scanner is mostly not a thing for you. Printer you would be knowing. हम लोग जो अटैच करते हैं, यहाँ अगर मैंने वर्कशीट आपके सामने अगर डेस्कटॉप पे खोली है कंप्यूटर में और मुझे उसको प्रिंट निकालनी है, तो आई वुड बी यूजिंग प्रिंटर. या फिर मैंने कुछ भी यहाँ टाइप किया है, उसको मुझे पेपर में डालना है, तो मैं उसको प्रिंट करूंगी, तो वो पेपर पे प्रिंट हो जाएगा. प्रिंटर. Okay, so that was the basic parts of computer we already have studied. So just a revision for you all. Okay, so today's homework, writing the in Hindi practice book. Writing the in Hindi practice book. And if you have not completed February and March 1-1 column, so go complete kar le. Theek hai? So tomorrow we would be meeting at 10 o'clock. Okay. We would be meeting at 10 o'clock tomorrow. Till then, bye. Be prepared for tomorrow test. Tomorrow we have articles test and L blend word. Okay, L blend word ke spellings aane chahiye and articles aane chahiye. I would be telling the word aur aapko uske aage kaun sa article aayega wo aapko bolna. Okay, so be prepared. Okay. Till then, bye. Have a nice day. Have a good day. Yes. So, hum kuch puchna hai beta?